विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने आजम खान के खिलाफ किया प्रदर्शन, हाथों में तख्ती लेकर किया पैदल मार्च। विश्व हिंदू महासंघ के दर्जनों भर कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन करके अपने गुस्से का इजहार किया। इतना ही नहीं, अपने हाथों में तख्ती लेकर उस पर आजम खान की फोटो लगाकर पैदल मार्च भी किया। विश्व हिंदू महासंघ के मंडल प्रभारी संजय गुप्ता ने बताया कि लोकसभा प्रत्याशी हैं, जो उनका अपमान किया है, एक नारी का अपमान किया है, ये बर्दाश्त से बाहर है। आजम खान जैसे गुंडे को जेल में होना चाहिए, इस पे बैन लगना चाहिए, ताकि ये किसी भी महिला खिलाफ उनका सीधा बयान ना दे सके। और हम चाहते हैं ऐसे गुंडे को जेल में रहने का अधिकार है, लोकसभा का इलेक्शन लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे नारी का अपमान किया गया, जैसे इसने हमारी लोकसभा प्रत्याशी जयप्रदा जी का अपमान किया, इसने अशोभनीय व्यवहार किया, इसने कहा कि वो कच्छे की जगह खाकी लेकर पहनती है, नाचने वाली कहा, ये सब विश्व हिंदू महासंघ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसको मुंह तोड़ जवाब दे। हम चाहते हैं इसके खिलाफ मुकदमा कायम हो और इसे जेल भेजा जाए।